नहीं, देखिए ये जो मामला है इसको समझने के लिए पहले दो तीन और चीजें समझनी पड़ती। ये जो आज बॉर्डर पे हो रहा है और ये जो तीन नए कानून आए हैं, ये शुरुआत नहीं, शुरुआत बहुत पहले हुई और इस बात को मैं सालों से उठा रहा हूं। सवाल आपको याद होगा भट्टा परसौल, पहली बार ये भट्टा परसौल में उठा था कि इस देश में किसान का क्या हक है, किसान की क्या राइट है, क्या जमीन किसान की जमीन उसकी है या किसी और की? जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और? तो पहली बार ये सवाल भट्टा परसौल में उठा, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सेंटर पे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, स्टेट्स पे उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द कर दिया। दूसरा कदम, अब ये नया कदम आया है, ये जो तीन कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून है। मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूं जिससे आप ये बात समझ जाएंगे। कुछ साल पहले एक बहुत बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मोदी जी से बात की थी और किसानों के बारे में बातचीत की थी और वो मुझे उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बता रही थी। इससे नरेंद्र मोदी जी का माइंडसेट पता लग जाता है। उस बातचीत में नरेंद्र मोदी जी से नेता ने कहा कि भैया देखिए किसानों को की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो देश का नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया कि देखिए अगर गेहूं चावल हिंदुस्तान में नहीं उगा जा रहा, ठीक से उगाया जा रहा है, तो हम ब्राजील से खरीद सकते हैं, हम बाहर से खरीद सकते हैं। ये फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस देश को आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी है, इस देश को आजादी किसान ने दी है, उस अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी 47 में मिली मगर आजादी को मेंटेन किसने किया? आजादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है, क्योंकि जब जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। और ये वो आक्रमण हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके दो तीन उद्योगपति मित्र हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। बात यह है कि आज मीडिया उठाता नहीं है तो हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही, किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को यह बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। देखिए रोजगार की बात करते हैं, जो भी यूपीए ने किया था इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो हमें जो हमने दी थी, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, रोजगार दिलवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कोरोना से बहुत नुकसान हुआ, नुकसान पहले से हुआ था। नुकसान एक ही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इसको हिंदुस्तान के युवा को समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और मैं बोलता जाऊंगा जब तक समझे, नरेंद्र मोदी और उनके दो तीन उद्योगपति मित्र, जो भी आपका है वो आपसे छीनने जा रहे हैं। किसानों को, किसानों पर ये तीन कानून लगाए, युवाओं से रोजगार, जहां भी आप देखिए, मीडिया में देखिए, आईटी में देखिए, रिटेल में देखिए, पावर में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको चार पांच लोग दिखेंगे, चार पांच बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं, और बाकी कोई है ही नहीं, ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बिजनेस, बाकी बिजनेस वाले हैं, एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ, बस ये पांच लोग चला रहे हैं, और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई है, और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता क्या हो रहा है अभी, और मेरे किसान भाइयों को यह समझना पड़ेगा, टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है, और आप वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है, वो सोचते हैं ये 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहां बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा, भागना आपको पड़ेगा। नरेंद्र मोदी क्या डिबेट खड़ा हुआ है भाई, उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, मतलब क्या डिबेट खड़ा है, कौन सा डिबेट हो रहा है हिंदुस्तान में? एक ही लाउड स्पीकर है, पूरा मीडिया है, नरेंद्र मोदी उसमें बोलते हैं, कौन सा डिबेट हो रहा है? कोई डिबेट नहीं हो रहा है। राहुल जी, मैं पंजाब से हूं। अगर किसान बाहर निकलना चाहता है, परेड करना चाहता है, तो उसमें क्या गलती है? राहुल जी, मैं पंजाब से हूं, पंजाब किसी से हूं। मेरा सवाल है कि 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका में कुछ लोकतंत्र को हमला होता है तो ट्वीट करते हैं, लेकिन 100 मौत के ऊपर प्रधानमंत्री की ओर से कोई ट्वीट नहीं किया गया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने बोला ना, जो बेसिक इज्जत होती है, इंसानियत होती है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के किसान की इज्जत नहीं करते। तो एक मरे, 100 मरे 200 मरे, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख पंजाबी मरे थे जब देश आजाद हुआ था, तो क्या वो शहादत भी भूल गई है बीजेपी? देखिए, वो आप छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि पंजाब और हरियाणा इस देश को भोजन देता है, भोजन के बिना ये देश नहीं चल सकता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि इस देश को 3-4 उद्योगपति चलाते हैं, बड़ी सुपरफिशियल थिंकिंग है। देश को मजदूर, किसान, ये लोग चलाते हैं, देश को युवा चलाता है। देखिए, सीधी सी बात, आतंकवादी भी कहा जा रहा है। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं। देखो, ढांचा बड़ा सिंपल है जी। और 3-4 उद्योगपति मीडिया को कंट्रोल करते हैं जी। उसमें आप लोगों की गलती नहीं है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों की गलती, हम लोग पंजाब से हैं। आप नहीं, आप लोग पंजाब से हो, या हरियाणा से है, तमिलनाडु से, सब है, आप लोगों की गलती नहीं। जो स्ट्रक्चर है आपका, उसको पीछे से कंट्रोल किया जाता है। जो 3-4-5 उद्योगपति चाहते हैं, वो आपकी मीडिया चैनल्स में आता है, कोई डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई, जो वो कहलवाना चाहते हैं कह देते हैं, सीधी सी बात है। मगर ये जो पूरा, ये जो माया है,
ये टूटेगी। पंजाब का मीडिया बहुत सपोर्टिव है सर। भैया माया शब्द सुना आपने? माया है माया सरकार पूरा का पूरा। ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है, और जिस दिन ये माया टूटी फिर देखना क्या होता है। सर आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, लास्ट सवाल। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम हर तरह का इसमें संशोधन कर देंगे लेकिन एक्टर रद्द नहीं होंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं सरकार का बहुत बड़ा बयान है। मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए अभी ये बात शुरू हुई है, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कानून रद्द होंगे, और इसलिए होंगे क्योंकि ये जो मंत्री है ना, इनको हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम। ये पीछे हटने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं, ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है। उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर इंटेलिजेंट होते तो आज ये कर देते, मगर ये किसान नहीं हटने वाला, और ना कांग्रेस पार्टी हटने वाली है। हम भी इनके साथ खड़े हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, ये किसानों पर आक्रमण है, और अगर कोई भी हिंदुस्तान के किसान पर आक्रमण करता है तो वो पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है। ये फाइनेंशियल मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये फाइनेंशियल मामला है। नरेंद्र मोदी जो किसानों का है वो 3-4 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, वो 3-4 उद्योगपति नरेंद्र मोदी को मीडिया देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनका काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी की मीडिया खत्म, गुब्बारा फटा, सीधी सी बात है। इसलिए बेचारे नरेंद्र मोदी को भी कोई मतलब चारा नहीं, वो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि कंट्रोलर तो कोई और है। तो है देश के प्रधानमंत्री, मगर रिमोट कंट्रोल 3-4 दूसरे लोगों के हाथ में है। तो बेचारे वो एक्चुअली मैं पिटी करता हूं उनको, वो फंस गए हैं, क्या करेंगे। वो प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है, सीधी सी बात है। किसानों को ये सब बात समझ आ गई है, किसानों के दिमाग में घुस गई बात, युवाओं के दिमाग में अभी नहीं घुसी, बाकी लोगों के दिमाग में नहीं घुसी, घुस जाएगी। जो छोटे व्यापारी है, देखिए जो छोटे व्यापारी है उनसे जाके पूछिए देश को कौन चला रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, 3-4 उद्योगपति चला रहे हैं, वो सब जानते हैं। राहुल जी पंजाब से जुड़ी एक सवाल है, नवजोत सिंह सिद्धू काफी समय से चुप है। भैया देखिए यहाँ पे आप प्लीज किसानों की इज्जत रखिए, यहाँ पे मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं होने दूंगा। आप कोई और मामला उठाएंगे मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। किसानों के ऊपर सवाल है। अच्छा लास्ट में, क्योंकि नरेंद्र मोदी के माइंड में ये है कि हम इनको थका देंगे, कि हम इनको थका देंगे, इनमें दम नहीं है, हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है। नाउ अब देश के किसान खालिस्तानी हो गए, देश के किसान खालिस्तानी हो गए, मतलब क्या बात बोल रहे हैं आप। आज मीटिंग लाखों लोग मतलब लाखों किसान बाहर आए हैं, आप उन्होंने खालिस्तानी बोल रहे हैं, मतलब शर्म तो करिए। और उनके जो मतलब बेटे मतलब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, चाइना जो अंदर आया है, क्या नरेंद्र मोदी खड़े वहां पे? नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला ही नहीं। चाइना मतलब हजारों किलोमीटर जमीन ले रखी है, किसके बेटे वहां खड़े हैं? वो खालिस्तानी है क्या? मगर मैं आपको एक बात बता देता हूं, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दी, कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, इसके मैं अगेंस्ट हूं। मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये जो कानून है, ये 3 कानून रद्द होंगे, मेन पॉइंट। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।